केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड बनाने में लोगों से ज्यादा शुल्क वसूली रोकने के लिए प्राइवेट सेंटर को बंद कर सरकारी परिसरों में केंद्र खोलने थे, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर 30 सितंबर से सरकारी कार्यालयों में नए केंद्र खोले जाने थे। लेकिन इसी बीच इंदौर में नया मामला सामने आया है। दरअसल सरकारी कार्यालयों में आधार केंद्र खोलने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें 24 केंद्र खोले जाने थे। अगर तब तक केवल 7 ही केंद्र खोले गए हैं, जिस कारण हजारों लोगों को अब भी परेशान होना पड़ रहा है। वहीं केंद्र खोलने के लिए इंदौर से 90 लोगों ने टेंडर भरा, जिसमें 24 लोगों के नाम केंद्र अलॉट हुए हैं, मगर इसमें भी केंद्र की आईडी ई गवर्नेंस विभाग द्वारा बनाई गई है, जबकि केंद्र खोलने के लिए ठेकेदारों ने लाखों रुपए की मशीनें भी खरीद ली हैं। गौरतलब है कि जहां एक ओर सरकार आधार को सभी दस्तावेज के साथ जोड़ रही है, तो दूसरी ओर आधार कार्ड ही नहीं बन रहे हैं। ऐसे में आम आदमी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इधर जिला पंचायत सीईओ नेहा मीणा का कहना है कि आधार केंद्र शुरू करने के लिए जरूरी कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है, जिसमें त्रुटि है उन्हें सही करवाने के लिए भोपाल भेज दिया गया है। जल्दी आधार कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। क्या मामला है और किस तरीके से आपने आधार केंद्र के लिए यहाँ पे टेंडर भरा था और अभी किस तरीके से आपको परेशानी में सामना करना पड़ा? आज से कुछ समय पहले UIDAI गवर्नमेंट ने आदेश निकाला कि अब सिर्फ आधार कार्ड जो बनेंगे गवर्नमेंट प्रमाइसेस में ही बनेंगे, जिसकी वजह से प्राइवेट जितनी भी एजेंसी सब बंद कर दी गई। उसके बाद आज से 6 महीने पहले तकरीबन कलेक्टर परिसर से एक विज्ञप्ति निकाली गई कि आधार परमिशन जोन जितने नगर निगम जोन है 19 उनके लिए और नगर परिषद के लिए निकाला गया। उसमें 90 लोगों ने आवेदन करा था, इसमें से 24 लोग भाग्यशाली जो इनकी लॉटरी सिस्टम से खुला। उसके बाद उसमें से 7 लोगों की तकरीबन 2 महीने बाद आईडी आ गई। उसके बाद अभी हम लोग सब बाकी हैं, जितने भी बचे हैं 10,000 रुपये हमने जमा कर दिए, जमा करे 5 महीने हो चुके हैं और हमने सामग्री 25,000 रुपये जमा कर लिए हैं। और उसके बाद हमने सारी सिस्टम वगैरह 1.5 लाख रुपये का प्रिंटर वगैरह आयरिश मशीनें जो भी होती हैं इसकी किट वो सब ले चुके हैं और अभी तक उसका कोई नहीं हो चुका है, निराकरण नहीं हो चुका। कलेक्टर महोदय से या फिर आपने नगर निगम में किसी से बात की है, आपने उच्च अधिकारियों से बात की है इस मामले? सबको हमने अधिकारियों को सबको आवेदन दे दिया है। कलेक्टर साहब ने हमें 7 दिन का बोला है कि 7 दिन में चालू हो जाएगी। ये 7 दिन हमको पिछले बार भी। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम फतेह खान।